कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहित। मेरा उल्लास यानी हमारा शहर उल्लासनगर, क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, आइए देखते हैं मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर शहर में भगवान श्री गणेश की जयंती प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कैंप नंबर 5 में स्थित मोमबत्ती वाला गणपति मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आकर भगवान श्री गणेश के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। हर साल की तरह हमारे शहर उल्लासनगर में कैंप 5 में जो मोमबत्ती वाला गणेश मंदिर है, वहाँ पर आज भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती के नंदन भगवान श्री गणेश की जयंती यहाँ मनाई जा रही है। इसीलिए न सिर्फ उल्लासनगर बल्कि आसपास के शहरों से भी बहुत सारी संगत यहाँ पधारी है और भगवान श्री गणेश के दर्शन कर रही है। साथ ही साथ प्रथा के अनुसार मोमबत्ती जलाकर भगवान गणेश की वंदना भी की जा रही है। इस समय हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं इस मंदिर के हर्ताकर्ता दिलीप भाई और उनके सुपुत्र वरुण साईं जी। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज सवेरे से यहाँ पर गर्दी लगी हुई है, प्रसाद का आयोजन किया गया है, लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, मोमबत्ती जलाए, बापा का आशीर्वाद लिया है और बाबा को बर्थडे की बधाई भी दी है। कहाँ कहाँ से लोग आए, सवेरे से प्रसाद का आयोजन चालू ही है, क्योंकि 2003 में साक्षात गणपति बापा ने मेरे को दर्शन दिया था कि जो व्यक्ति यहाँ पर मोमबत्ती जला के आराधना वंदना करेगा उसकी सर्व मनोकामना मैं पूरी करूँगा। लोगों ने मोमबत्ती जलाना चालू किया और लोगों का काम होना चालू हो गया। इसके लिए मोमबत्ती वाला ये फेमस में फेमस मंदिर है, उल्लासनगर का राजा जिसको माना गया है, ये उल्लासनगर की शान है, मोमबत्ती वाला गणपति मंदिर। अच्छा, कितने वर्षों से ये मंदिर बना हुआ है? 81 में पिताजी ने मंदिर बनाया था, 94 में मैंने बड़ा करके बनाया, फिर 2003 में साक्षात दिवाली के चांद के तीसरे दिन बापा ने साक्षात दर्शन दिया। ऐसे कई सारे भक्त हैं जिनको यहाँ दर्शन करने से लाभ प्राप्त हुआ है, उनकी मनोकामना की सिद्धि हुई है। ऐसे ही आज एक भक्त यहाँ हैं, कमल भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी बात को लेकर डिप्रेस था तो यहाँ पे आना चालू किया, तब से यहाँ से जुड़ गया हूँ मैं और मैं बाइकदा में भी गणपति से बात करता रहता हूँ, वो मेरी बात सुनते हैं। पूरे दिन का जो काम करता हूँ वो गणपति को बताता हूँ और पूरे दिन के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ और वैसे ही मेरे दिन अच्छे जाते हैं, कभी बुरे जाते हैं, पर मुझे गणपति बापा
संभाल लेते हैं और अभी अच्छे जाते रहते हैं। और ये मंदिर में आने से मेरा भला हुआ है। इस मंदिर की प्रथा है कि जो यहाँ मोमबत्ती जलाकर भगवान की आराधना करता है उसके मन की कामना पूरी होती है, ऐसा कुछ आपका भी अनुभव हुआ है? हाँ हुआ है, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। मेरे तो सब दुख पूरे हुए हैं यही गणपति के मंदिर में, चाहूँ मैं आऊँ या चाहे ना आऊँ, पर घर बैठे इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा था, हमेशा है, हमेशा ही रहेगा। मुझे जो भी प्रॉब्लम हुई ना यहाँ से ही सॉल्व हुई है, इसलिए हम खुशी खुशी यहाँ आना पसंद करते हैं और कैंडल जलाना पसंद करते हैं। कब से आप यहाँ आते हैं? मेरे को तो कम से कम 7-8 साल हो गए। इस मोमबत्ती वाला मंदिर में हर कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है और भगवान से यही प्रार्थना करता है कि उसके हर मन की मुराद पूरी होनी चाहिए। तो भगवान तो सभी को देते हैं, लेकिन किसी को जल्द तो किसी को देर से, लेकिन लोगों की श्रद्धा है कि भगवान उनकी आस्था के प्रतीक उनके मन की मुराद पूरी करते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे कुछ लोगों से। आपका क्या अनुभव कहता है? यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आपकी हुई है? हाँ मेरी हुई। बताएंगे इस बारे में? मेरी हुई है, क्या बताऊँ, जो मुराद हुई है मांगता हूँ होती है यहाँ पर। आप बताइए। आज तक हमने जो भी मांगा है हमें सब मिला है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। साधु वासवाणी मिशन और रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन की तरफ से जय हिंद स्कूल में एक भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आईज चेकअप और डेंटल चेकअप किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया। रोटरी क्लब उल्लास नगर सपना गार्डन एंड साधुवासनी मिशन, साधुवासनी जी के आज पवित्र डे जो 12वां दिन काउंट होता है,
हर 12वें दिन साधु वासवानी के यहाँ पे जैसे उनके हॉस्पिटल से सर्वानंद हॉस्पिटल पूना से डॉक्टर्स आते हैं और हमारे स्पेशली हमारे रोटरी क्लब उल्लासनगर सपना गार्डन के जो ऑलवेज फ्रंट फुट पे डॉक्टर अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ चार्जेस सर्विसेज आई चेकअप के लिए देते हैं और डेंटल चेकअप के लिए देते हैं आई चेकअप सर्वानंद हॉस्पिटल के तरफ से। हम सभी जो आज इस स्कूल में है जिसमें करीबन 250 बच्चों का हमने आई चेकअप फ्री आई चेकअप एंड डेंटल चेकअप किया है और इसी तरह बच्चों को क्या उनमें नेगेटिव है क्या उनको कैसे सब चीज़ें और फ्री मेडिसिंस उनको करेंगे प्रोवाइड रोटरी क्लब सपना गार्डन की तरफ से। और हम ऑलवेज थैंकफुल रहेंगे साधु वासवानी मिशन के लिए क्योंकि वो हमें अपनी जो भी टीम सपोर्टिंग डॉक्टर्स देते हैं एंड रोटरी क्लब उल्लासनगर सपना गार्डन सभी उल्लासनगर वासियों का हार्दिक दिल से ये इसका थैंक्स करते हैं कि आपने इसका बेनिफिट लिया। इस खुशी के दिन मैं सबसे पहला थैंक्स और इनिशिएटिव लेने के लिए हमारे चंचनाली साहब को शुक्रिया अदा करूँगा। साधु वासवानी मिशन, रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन, इनका जो मिशन है ये आम जनता तक पहुँचना है, आम जनता के निडी लोगों तक पहुँचना है और इन बच्चों के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्थेल्मिक चेकअप उसके साथ में डेंटल चेकअप भी रखा है। और मैं यह बताना चाहूँगा कि हर एक मंथ के 12वें तारीख को 12th को ये कैंप हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, अलग अलग तरह के कैंप रहेंगे, डेंटल चेकअप हो सकता है, ऑप्थेल्मिक चेकअप हो सकता है, स्किन चेकअप हो सकता है, बच्चों को न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा या तो हेल्थ रिलेटेड लेक्चर्स देना होगा। अलग अलग तरह के प्रोग्राम इस मिशन द्वारा किए जाएंगे। वहाँ पर पब्लिक हेल्थ गार्ड इंडिया हमारा जो ट्रस्ट है इनके साथ में हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द रोटरी क्लब उल्लासनगर फॉर गिविंग अस हेल्प इन अवर स्कूल जशनमल किशनचंद श्रृंगी। Thank you very much. We have arranged this eye camp for little children from Sadhu Vasmani and we have came from Swami Sarvanand Hospital. This camp is for eye checkup. 225 children are there here and dental checkup also there. Yeah. Thank you. आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का जन्मदिन प्रेम और श्रद्धा के साथ बाबा साईं कॉन्वेंट हाई स्कूल में मनाया गया। इस अवसर पर आदरणीय बाबा साईं जी ने बच्चों का मार्गदर्शन किया कि किस तरह माँ सरस्वती देवी मानव को ज्ञान देती है। इस अवसर पर योगाचार्य उल्लास चौहान ने यज्ञ का कार्यक्रम किया। सरस्वती को पा नहीं सकता,
लेकिन सरस्वती वाला धन को पा सकता है। इसीलिए क्या दोनों चाहिए एक? तो आज सरस्वती माता जी की पूजा हो रही थी, आप सभी ने ध्यान से किया? बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा आप गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे। कुछ कुछ बच्चे चुप थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आपकी आयु ऐसी है, मस्ती की भी है और जीवन बनाना है तो सीरियस भी होना है। तो जिस समय मस्ती हो उस समय मस्ती में रम जाओ, कोई बात नहीं। जिस समय सीरियस कोई बात हो, टीचर पढ़ा रही हो, पूजा हो रही हो, हवन हो रहा हो, तो आंखें बंद करके एकाग्र चित्त से बैठना होता है। कैसे? जैसे अभी बैठे हो, ठीक है? कैसे सिखाया है? सीधा स्ट्रेट, दोनों चाहिए। इसीलिए माता सरस्वती जी की पूजा की गई। और किसने की मालूम है आपको? आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। शहर में चर्चा चल रही थी कि कल्याण बदलापुर रोड पर जो स्टे ऑर्डर लगाया गया था वह वैकेट हो गया है, यानी जो स्थगन आदेश लगाया गया था उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। क्या इस मामले की सच्चाई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पूर्व मनपा सचिव तथा लॉ ऑफिसर एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा। सबसे पहले लोगों को ये जानना है कि कल्याण अमरनाथ रोड जो 2015 से अब तक पूरी तरह से बन नहीं पाया, उसका कारण क्या है। इसमें कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने मुंबई हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, और स्टे लेने का कारण आपको समझना होगा। स्टे लेने का कारण यही है कि जो डीपी के हिसाब से 100 फीट की जो विड्थ है, जिसको कहते हैं रुंद, कल्याण अमरनाथ की जो अलाइनमेंट ऑफ रोड है 100 फीट की, उसको मार्किंग जो देनी है कमिश्नर को, वो एज पर डीपी देनी है। लेकिन उन्होंने जो मार्किंग दी हुई है उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं जो कि डीपी विड्थ के हिसाब से नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि बार बार लोग हाईकोर्ट जाते हैं और उनको हाईकोर्ट से स्टे मिल जाता है। वजह यह है कि कमिश्नर को कोई अधिकार नहीं है डीपी का विड्थ बदलने का, उसका रुंद बदलने का। जिस तरह से डीपी में प्रमाणित है रोड की विड्थ या रुंद, उसके हिसाब से उसे मार्किंग देना है। गलत मार्किंग देने के कारण जो है लोग कोर्ट में जा रहे हैं, और उसमें गलत मार्किंग के कारण कुछ खासगी ज़मीनें भी उसमें इफ़ेक्ट हो रही हैं, और जहाँ पे प्लान पास किए गए ऐसे भी स्ट्रक्चर कुछ इफेक्ट हो रहे हैं। नतीजा ये कि उनको हाईकोर्ट से बार बार प्रोटेक्शन मिलता है। अभी भी जो कल जो हुआ है वो निम्बालकर जी ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें उन्होंने एडमिट किया था कि अलाइनमेंट में उनकी चूक हुई है, गलती हुई है, लेकिन वो चूक अभी नहीं सुधार सकते, इसलिए उन्होंने डिमोलिशन ऑर्डर सबके खिलाफ पास किया था। जब ये मामला हाईकोर्ट में चला तो हाईकोर्ट में चलने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से और कॉरपोरेशन की तरफ से ये कहा गया था कि नई डीपी आने वाली है और उसमें हम 100 फीट से कुछ उसकी विड्थ कम करने वाले हैं, इसलिए जब तक नई डीपी नहीं आती तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट ने उस समय उनको इस बात पर स्टे दिया था कि जब तक नई डीपी नहीं आती तब तक कोई कार्रवाई नहीं करे। अब जब नई डीपी आ गई है, नई डीपी आने के बाद तो 100 फीट विड्थ वैसे ही रही जैसे पहले थी, पर नतीजा ये है कि उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो जैसी स्थिति पहले थी वो आज भी वही स्थिति है। और आगे कहूँगा कि नई डीपी में तो उल्टा परेशानी है कि उसमें कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं है। जिन्होंने डीपी बनाई है उसमें बाउंड्री लाइन प्रस्तुत ही नहीं की, तो ये कैसा तय करेंगे कि किसका दुकान कितने फीट में जाता है। और कल जो ऑर्डर हुआ है उसके हिसाब से कोर्ट ने कहा है कि नई डीपी के हिसाब से आपको मार्किंग देनी होगी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होगा। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जाएंगे तो जिसकी खाजगी ज़मीन अगर रोड में जाती है तो उसको आपको पहले लैंड एक्वायर करने के लिए प्रोसीजर में जाना होगा। अगर प्लान पास किया हुआ है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, और अगर आप अलाइनमेंट चेंज नहीं करते हैं तो फिर से एक बार ये लोग कोर्ट में जाएंगे और फिर से अपना स्टे लेके आएंगे। तो कमिश्नर को चाहिए कि ईमानदारी से जो रोड अलाइनमेंट 100 फीट की एज पर डीपी है वैसे ही देवे, वरना फिर से एक बार
और कोर्ट जाने का मौका मिलेगा और एक कारवां चलता रहेगा और आपका रोड कभी नहीं बन पाएगा। तो केवल ये कहना है कि हमने केस जीत लिया तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करना, तो इससे आपको और कोई भी रिलीफ तो नहीं मिलेगा लेकिन आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। कमिश्नर को ईमानदार से सही मार्किंग देके और अगर आप कार्रवाई करते हो तो न किसी की खाजगी ज़मीन इसमें जाएगी और न किसी की आपको प्लान पास वाली प्रॉपर्टी जाएगी, और जो अनऑथोराइज है जो बचे हुए लोग जिसको आप लोग बचा रहे हो मार्किंग गलत देके उनकी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन टूट जाएगी। अगर अनऑथोराइज टूटती है तो उसमें गलत क्या है? जिनका हक है प्राइवेट ज़मीन पर जिनका प्लान पास है तो उसे आप क्यों तोड़ते हो? तो आपको तोड़ना चाहिए जो गलत है, सही वाले को क्यों तोड़ रहे हो? और मैं आपको बता दूं, जब उल्लासनगर 3 नंबर ओटी में जो ब्रिज बनाई थी फ्लाईओवर ब्रिज, मैं लॉ ऑफिसर था और जयशंकर आइसक्रीम का जो दुकान टूटा था वो तो प्लान से था, फिर भी हमने उनकी कार्रवाई कायदे से की और चुनौती भरा मामला था लेकिन चुनौती को फेस करते हुए हमने दोनों में सफलता पाई और मेरे इस प्रयास से महानगर पालिका को सफलता मिली थी। आज भी अगर सूझबूझ के साथ कमिश्नर काम करे, सही अलाइनमेंट दे और कायदे से चले तो केबी रोड को बनाने को कोई नहीं रोक सकता। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। विद्यार्थियों को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए तथा संविधान का आदर करने के लिए एक परिसभा का आयोजन कैंप नंबर 4 स्थित आरके अभंग विद्यालय में किया गया। आइए लेते हैं इसका जायजा। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। बदलापुर में स्थित सनराइज इंटरनेशनल स्कूल और बीए कॉलेज की तरफ से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने बेहतरीन सांस्कृतिक नृत्य पेश किए। Bye.
बरस पड़ेगी हर। अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। समाज सेवी अशोक चंचलानी ने बताया कि पुणे में स्थित बुधरानी अस्पताल में दिल से संबंधित बीमारियों और सर्जरी के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया है जिसका लाभ उल्लासनगर के लोग उठा सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि आज 12th डे है, एवरी 12th डे जो रहता है मंथ का, उसमें हम लोग दादाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए दादा जे पी वासवानी को अलग अलग जगहों पर हम लोग सेवाओं के कार्यक्रम कहते हैं। और सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है खास करके हर उल्लासनगर वासी के लिए, इस महीने में हम लोग इनलेक्स बुधरानी हॉस्पिटल पूना में जो है वो हार्ट के निम्बित जो भी बीमारियां हैं उनके लिए हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल इसमें रेट में हम लोगों ने वहां पे कैंप आयोजन किया है। तो जिन भी लोगों को कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम है, चाहे वो सर्जरी है या कुछ वॉल का प्रॉब्लम है या और कुछ है, उस निम्बत में हम लोग नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमको कांटेक्ट कीजिए, अपना नाम रजिस्टर कराइए तो हम आपको पुणे में भेजेंगे। और काफ़ी आपको मतलब ऐसा कहना चाहिए कि मामूली ही प्राइस में हम आपको वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स दूर करवा के देंगे। और उसके लिए हमारे जो पार्टनर इन सर्विस है वो रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन रहेगी। धन्यवाद। रोटरी क्लब उल्लासनगर सपना गार्डन की तरफ से जो बुधरानी हॉस्पिटल पुणे जो हार्ट के लिए स्पेशल हॉस्पिटल है, हार्ट सर्जरीज के लिए जो हार्ट की जितनी भी डिजीज़ है वहाँ पे सॉल्व की जाती है, वहाँ पे उनको उनका इलाज किया जाता है। और ये मंथ में हमको बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रही है कि उल्लासनगर वासियों के लिए बुधरानी हॉस्पिटल से मिलके रोटरी क्लब सपना गार्डन हम ये जो भी हार्ट की जो भी डिजीज़ हार्ट से रिलेटेड बीमारीज है, जैसे बाईपास हो गया, कोई भी सर्जरीज हो गई, वॉल हो गया, तो एंजियोप्लास्टी हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, तो सब चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा ये काफ़ी महंगी इसकी चार्जेस रहती है। और हम इसको वेरी नॉमिनल रेट्स में जितना बोलते ना इतना रीजनेबल रेट्स में वहाँ पे उसकी तरह हम बुधरानी डॉक्टर बुधरानी हॉस्पिटल एंड रोटरी क्लब सपना गार्डन उसमें अपना कुछ अमाउंट डाल के आपको फ्री ऑफ कम कॉस्ट पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगी। एंड आप सब लोग उल्लासनगर वासियों को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9322663722, 2 से 4 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप ये इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9322663722। ये सर्विसेज सिर्फ इस महीने के लिए है, आप 12th से लेके नेक्स्ट 12th तक आप ये सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू। बेसिकली आई वुड लाइक टू जस्ट सजेस्ट वेरी सिंपल थिंग्स अबाउट द कार्डियक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू शुड गो फॉर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी, बट इफ यू आर गेटिंग सिंपल चेस्ट पेन अल्सो, देन अल्सो यू मस्ट कॉन्टैक्ट द कार्डियोलॉजिस्ट। इट्स नॉट नेसेसरी कि वेन यू आर इंडिकेटेड फॉर सर्जरी दैट टाइम ओनली यू कैन कॉन्टैक्ट, बट इट्स बेटर टू हैव अ प्रिवेंशन of that particular disease. So I'll request all the citizens, those who are getting chest pain, they must contact cardiologist, they must have their 2D echo, they must get their angiography done, and after angiography it will be decided for angioplasty, putting the stent into that particular patient, second thing cardiac bypass, and third thing wall replacements. So these are the three major things and cardiac problems. If your doctor suggests you or if you get pain, you can have a consultation all these three things. Thank you. Aapki zuban hamari awaaz, dekhte rahiye मेरा उल्लास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।
उल्हास मेरा उल्हास मेरा उल्हास मेरा उल्हास मेरा उल्हास मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास मेरा उल्हास मेरा उल्हास मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।